अरे वाह, हो गया तेईस किलो होगा ना समथिंग, 24 किलो। क्या दिक्कत है। अरे यार हाँ, ऐसे 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 भाई देखो, सारा लेके तो ऐसे ही जाऊंगा ये, अब सही है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे भाई 10:30 साढ़े 11 यार टाइम भी हो ही गया भाई। आज थोड़ा सा मैं जल्दी निकल चुका हूँ, बाकी भाई पहली राइड मेरे पास आ चुकी है भैया, कहाँ की, रोहिणी सेक्टर 7 की भाई। तो भाई ये कापासडा से ही जा रही है, 400 मीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है। तो बाकी भैया अपनी बिल्लू रानी के मीटर की बात करो तो भाई 31,740 किलोमीटर चल चुकी है, और बाकी भाई देखते हैं आज कितना चलेगी। तो बाकी भैया काम तो आजकल बहुत ढीला ही चल रहा है यार, वैसे तो एक तरफ से भाई ऐसा ही चल रहा है, बाकी भैया देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है क्या जाता है। देखो आज तो मैंने ना भाई खाना पीना भी नहीं खाया है, क्योंकि भैया एक चीज़ बताऊँ भाई, खाना पीना इसलिए नहीं खाया भैया क्योंकि भाई जैसे मैं कपड़े वपड़े पहन रहा था ना भाभी के यहाँ पे जा रहा था रूम पे, तो भाई राइड आ गई मेरे पास रोहिणी की, तो भाई मैंने ले लिया राइड। अभी मैं जा रहा हूँ भाई कहीं बाहर ही खा लूँगा मैं, तो देखता हूँ भैया अगर खाना अभी पहले पिकअप करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ भाई खाने का सीन क्या रहता है, या तो खा के जाऊँगा मैं और या फिर देखते हैं क्या सीन रहता है यार। तो पहले पिकअप करते हैं जल्दी जल्दी यार भाई, क्योंकि मुझे शाम को ना जल्दी आना है यार, तुम्हें पता भाई तुम्हारी भाभी है नहीं भाई, शाम को भी दुकान मुझे ही खोलनी पड़ेगी। तो भाई अभी करता हूँ पिकअप थोड़ा जल्दी भाई यहाँ से जल्दी, तो ही मैं शाम को आ पाऊँगा, क्योंकि भैया तुम्हें पता है यार भाई दूध भी है यार, क्योंकि फ्रिज में दूध भी है भाई, सुबह दूध लाया था भाई, दूध दूध नहीं निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, दूध ख़राब हो जाएगा कल तक। तो बाकी भाई इसके अंदर दिखा रहे हूँ मैं लोकेशन पर, और बाकी भाई वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, पता नहीं यार कहाँ से आ रहे, कॉल आया था मेरे को। अच्छा ये नहीं है भाई, छोटू को देखना धक्का दे रहा है पीछे से। ये देनी है क्या है इसमें, ज्वेलरी गिराना मत, वही तो रख रहा हूँ सेफ्टी से भाई। सेक्टर 7 और यहाँ पे हिमालय पब्लिक स्कूल आपको दिख जाएगा वैसे तो, लेकिन मैंने डाल दिया है ठीक, नियर इसके है निर्मल लहंगा हाउस करके उसके जस्ट साइड ठीक है। इसकी पेमेंट वहीं से होगी ना, पेमेंट मैं कर दूंगी आपको ठीक है। फोटो खींच लो, बारकोड पे कर देना। तो बाकी भाई ये ज्वेलरी जा रही है, और इस ट्रिप को स्टार्ट करता हूँ और तुम्हें दिखा देता हूँ भाई ड्रॉप डिस्टेंस कितना है। तो भाई ये लो तुम्हारे सामने भाई, कितना दिखा रहा है भाई, 29 किलोमीटर दिखा रहा है, और यहाँ से देखता हूँ कितना भाई, 31 भाई 29 से जाऊँगा मैं। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट, चलो भाई बाय बाय बाय। 29 किलोमीटर दिखा रहा है और 1 घंटा 1 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं भाई। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट, और बाकी भैया पहले तो मैं खाना पीना खा के जाता हूँ यार, पहले खाना पीना खा लूँ भाभी के रूम पर जाके, उसके बाद सीधा निकल जाऊँगा मैं, पार हो जाऊँगा, 2 मिनट लगेगा खाना खाने में। क्योंकि मूर्ति जय हनुमान जी भाई, हमेशा दर्शन करके ही जाता हूँ मैं यहाँ से, जब भी आजकल यहाँ पे आ रहा हूँ ना भाई भाभी के यहाँ पे खाना खाने, तो दर्शन करके ही चले जाता हूँ। और बाकी भैया पहुँच चुका हूँ मैं, ओ भाई अरे अरे कहीं नीचे ना घुस जाए। तो भाई पहुँच चुका हूँ मैं अभी यहाँ पर भाई, जल्दी जल्दी खड़ी करके ना भाई, जल्दी से ना खाना पीना खा के ना भाग जाओ मेरे भाई। तो भाई खाने में देखो दाल चावल और बाकी यहाँ पे सलाद काट रखा है, तो खाना पीना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं भाई। फाइनली खाना पीना खा के मैं निकल चुका हूँ, और बाकी भैया देखो, अरे रे रे भाई आंटी अभी आ गई थी यार। तो बाकी भाई खाना खाने में सिर्फ 5 मिनट लगे भाई, खाना बना हुआ था, बस खा पी के निकल चुका हूँ मैं। और बाकी भैया देखो अब काम करूँगा भाई, देखो मैं अभी से ना मतलब वही 6-7 घंटे काम करूँगा, क्योंकि शाम को जल्दी आना, दुकान भी खोलनी है, आज जीवन का वो है ना स्कूल है, जीवन का स्कूल है, तो मुझे शाम को जल्दी आना पड़ेगा भाई, नहीं तो मेरा दूध ना बिकेगा ही नहीं भाई, ख़राब हो जाएगा कल तक, 2 दिन की डेट होती है ज़्यादा नहीं। तो बाकी चलते हैं भाई करते हैं इसकी डिलीवरी। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे हो रही है, और यहाँ पर देखना पड़ेगा ज्वेलर्स की शॉप है कौन सी, ये तो नहीं है, साईं आर्ट ज्वेलरी तो यही है। ये पार्सल आया है, कॉल नहीं उठा रहे, तो मैं पेमेंट कैसे लूँगा यार भाई।
डिलीवरी तो मैंने कर दी, बाकी वो कॉल नहीं उठा रहे यार। तो अभी मतलब थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा भाई, अगर कॉल उठाएंगे तो मैं पैसे मंगवा लूँगा, बाकी इसके शॉट ले लिए, कुछ बोलेंगे तो भेज दूंगा। तो ट्रिप को एंड करता हूँ भाई और 3 स्टार के साथ डन करूँगा मैं इसे, क्योंकि भाई वो कॉल नहीं उठा रहे यार। देख लो भाई, इसमें मुझे मिले 275 रुपये और किलोमीटर भाई 30 किलोमीटर था यार ये। तो देख लो भाई, 2 घंटे 11 मिनट एक ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई दूसरा ऑर्डर मेरे पास आने वाला है, ये देखो भाई आ रहा है भाई, ये है सदर बाज़ार। भाई सदर बाज़ार तो मैं नहीं जाऊंगा भैया, सदर बाज़ार जाके वही है अपनी मौत को ताव देना। अबे जा मिस हो जा, चल सदर बाज़ार कौन जाएगा, 203 रुपये की राइड है। कोई भी नहीं लेगा बंदा, कोई बंदा नहीं लेगा भाई, मुझे पता है ना, कोई बंदा नहीं लेगा इस राइड को। पास आ रही है रोहिणी सेक्टर 7 से जा रही है भाई, राजीव नगर की राइड है ये, 111 रुपये की। भाई कोई नहीं लेगा ना तो ही मैं लूँगा इस राइड को। भाई राइड मैंने ले लिया, पिकअप डिस्टेंस तुम्हें दिखा दो कितने हैं, ये देख लो भाई 1 किलोमीटर दिखा रहा पिकअप डिस्टेंस। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट। पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे हो रही है, तो कर लेता हूं एक बार कॉल। नहीं जाएगा, रख दो। क्या है इसमें, शैम्पू है। शैम्पू कौन सा शैम्पू है भाई, ऐसे रखो, खड़ा रखो, हाँ ऐसे रखोगे वही साइज है, एक ही साइज है, सेम है। पीछे रख दूँ, पीछे बात नहीं पड़ेगा यार फिर। हाँ थोड़ा सा और दबा ना, बस बस हो गया काम, चल ठीक है भाई। पेमेंट इसकी कहाँ होगी, पेमेंट पेमेंट जिस नंबर से हुई है ना, हाँ उसी नंबर से वो कर लेना। क्या फोटो खींच लेना, पेमेंट फोटो खींच ले, बारकोड की फोटो खींच ले, फोटो खींच लेना इसी में कर दे। हाँ जी उसको ओटी पे, ठीक है। तो भाई ट्रिप को स्टार्ट कर, गाड़ी वाला खड़ा है। हाँ ठीक है, और भाई डिस्टेंस देख लो कितना है भाई, 6 किलोमीटर 6.2 किलोमीटर दिखा रहा है, 19 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं भाई। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट, बाकी थोड़ा जाम भी दिखा रहा है यार। पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे दिखा रहा है यार, कॉल कर लेता हूं एक बार भाई। लोकेशन तो यहीं की डाल रखी है बंदे ने भाई, चौकी है ये। आ जाओ आ जाओ, ये देना ये देना, पार्सल देना है, पार्सल देना है। अरे मोबाइल में देख ले क्या लग रखा है, मम्मा विक्की दैया कौन लग रखा है, क्या लग रखा है, जो पोर्टर वाला यो देन आया है, ये फोन आ रहा है उसका लाइन मिलाओ, फोन नंबर पे जा रही गाड़ी। अरे उनका नंबर की गांड मार ले फोन में, लग क्या लिखा भाई साहब, क्या लिखा है। अरे ये भी आएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये तो जाएगा, बात हो रखती है इसकी, क्या मालिक से बात हो रखती है, सब पैसे से सब मिल गए भाई उसको। ये लोग ना भाई आपस में लड़ रहे, बंदा कह रहा है कि भाई मेरे में जाएगा ये पार्सल और पैसे मेरे को दे दो यार, ये देख रहे हो, ये सोनीपत वाले हैं बंदे सारे लड़ रहे हैं। कहाँ पे गाड़ी, आ गया क्या, किसका ना भैया, अबे यार ये लो भाई, कैसे रखोगे इसको, आएगा ही नहीं है भाई। जो पहला वाला पार्सल आया था ना उसका कॉल अभी आया यार मैडम का, भाई देख लो अभी पेमेंट कर रही है, बाकी भाई देखो इसकी भी पेमेंट थोड़ा लेट होने वाली है। तो इस ट्रिप को एंड और 5 स्टार के साथ डन। तो भाई मेरी आज जितनी भी राइडें हैं ना भाई पेमेंट सारे लेट ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। तो बाकी भाई अर्निंग की बात करो तो भाई अर्निंग 275 रुपये की अर्निंग हो चुकी है, अभी शो नहीं कर रहा क्या यार ये, तो भाई शो कर दे जल्दी। तो दोनों पेमेंट है ना साथ साथ आ गई, 111 रुपये और 344 रुपये, दोनों पेमेंट साथ आ गई, तो चलो भाई सही है। भाई मेरे पास राइड आ रही है बवाना की सेक्टर 3, ले ली भाई ये बंदे ने, बिहार की राइड आ चुकी है भाई, आजा भाई। मैंने ले लिया अशोक बिहार की नेशनल एरिया जा रही है, और ये जा रही है भाई ये जहांगीरीपुरी से जा रही है। तो चलो भाई चलते हैं।
112 रुपये की ये राइड है और पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा दूँ कितना है भाई। ये लो भाई पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा 3 किलोमीटर। ओ भाई ये तो बहुत लंबा दे दिया भाई पिकअप। भाई से घूम के आना पड़ेगा यूं करके। शाबाश बेटा। भाई ये जा रहा है यहाँ से गोल चक्कर से घूम के यहाँ से सीधा इधर है ना उस साइड में बैठा हुआ था भाई। ये पूरा गोल चक्कर 2 गोल चक्कर घूम के आना पड़ा मुझे इस वाली रोड पे। वो देखो सामने इस वाली रोड पे मैं बैठा हुआ था भाई। यहाँ से है ही नहीं इस साइड में आने के लिए भाई बाकी। तो चलते हैं भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट। चुका हूँ मैं लोकेशन पे और बाकी देखते हैं भाई यहाँ से क्या जाएगा। यार वजन नहीं होना चाहिए भाई क्योंकि ये राइड इतनी छोटी है ना। अगर वजन वाला आइटम दे देंगे ना तो भाई फिर तो भैया हो गया काम। तो देख रहे हो ये बाकी भाई लोग भी आए हैं यार। ये देखो 2 बंदे यहाँ पे खड़े हैं भाई। तो ये भी पार्सल ही लेने आए होंगे। ये पार्सल मिल चुका है। पार्सल में ही जा रहा है भाई लोहा इकट्ठे में डाल रखे हैं। बाकी सही है भाई चलते हैं और ये डाल देता हूँ भाई आगे। देखो स्कूटी का यही फ़ायदा होता है भाई। देखो रख लिया ना मैंने आगे कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप डिस्टेंस दिखा दो कितने हैं। तो भाई देखो ये बंदा आ गया। तुम इसका पार्सल मुझे दे रहे थे यार। तो भाई ट्रिप को स्टार्ट और डिस्टेंस देख लो यार भाई। ये लो मेरे भाई भाई 6.3 किलोमीटर दिखा रहा है और 18 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट। आनंद बिहार की मेरी है बंदे को यार। वो बंदा जो दूसरा बंदा जा रहा है ना वो बंदा जा रहा है आनंद बिहार भाई। आनंद बिहार की थी बस दो कर रखे थे। वो बंदा कह रहा है यार ये तो है ही नहीं। तो भाई मैंने कहा दूसरा बंदा आएगा यार। तो बाकी भैया देखो मेरा तो सही है भाई नेशनल एरिया जा रही है। और बाकी भैया चलते हैं करते हैं इस राइड को कंप्लीट। वहाँ से भी मुझे राइड मिल जाएगी। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे और भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे मिल रही भाई। भाई यहाँ पे सारा लोहे का ही काम है क्या यार भाई। छोड़ते लोकेशन भी गलत डाल रखी थी इसमें भाई। इसमें क्या डाल रखी है पता है। ये देखो यार मैं बता रहा हूँ तुम्हें 79/5 डाल रखी है और 81/2 में आना था लेकिन था तो यहीं पे। लेकिन मैं वैसे ही घूम रहा हूँ यार भटक रहा हूँ इधर उधर दिखाई नहीं। छोटा सा बोर्ड लगा रखा है। तो चलते हैं भाई ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बुला रखा है। कहाँ पे इधर। ये लो फाइनली डिलीवरी कर दी है। और बाकी भाई देखो अरे यार कहाँ गया। स्ट्रिप पॉइंट करता हूँ और 5 स्टार के साथ डन। तो भाई देखो कॉल भी आ रहा है। फाइनली मैंने भाई ये राइड ले ली भैया इंडस्ट्रियल एरिया यहीं से जा रही है। और बाकी भैया ये राइड जा रही है भाई मंडुका की राइड मैंने ले ली है। और बाकी 189 रुपये की ये राइड है। तो पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा दो भाई कितना है। ये देख लो यार भाई 500 मीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट। भाई आ चुका हूँ मैं लोकेशन पे और बाकी भाई लोकेशन एंड तो यहीं पे दिखा रहे यार भाई। यहाँ इसके अंदर भैया यहाँ तो रिक्शा ही रिक्शा दिख रही है मेरे को। नीचे भाई आ चुका हूँ मैं लोकेशन पे और बाकी भाई नीचे से ही कुछ जाएगा शायद से। पांडे जी आप ही हो ना। हाँ मंडुका भाई। भाई क्या बनता है यहाँ पे। पॉलिथीन ओ त्री। कितने केजी वाली। 1 केजी वाली भी। 1 केजी आधा केजी नहीं गड्डी के साथ ही तो बोल रहा हूँ मैं। एक बार दिखाना पार्सल। भाई आ चुका है बाहर। बाकी भाई ये बिल जाएगा भाई 5,220 रुपये का जा रहा है पार्सल। हाँ स्कूटी है। कितने के जी होगा ये वेट तो। अच्छा रखना कितना। तेईस किलो दिखाना एक मिनट रुको। हाँ भाई इतना तो होगा ही यार। आगे रख आएगा आगे रखना एक बार। आ जाएगा रखो फिर आगे रखना एक बार। अरे वाह हो गया 23 किलो होगा ना समथिंग। 24 किलो 24 किलो 14 किलो
उसका वजन होगा 12.5 किलो का होगा, 25 किलो के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा चलो एक बार बात कर लेता हूँ यार, 25-26 किलो है। तो बाकी भैया ने बोल दिया भाई कि 70 रुपये 100 रुपये बोला था भाई, वो कह रहे थे भाई 90 रुपये लगा लो, मतलब 270 रुपये कर दूंगा बोल रहे थे। बाकी भाई 26 किलो है ये, अभी भैया ही बोल रहे थे खुद ही, और 25-26 किलो। तो बाकी भाई तुम्हें ट्रिप स्टार्ट और ड्रॉप डिस्टेंस तुम्हें दिखा देता हूँ भाई कितना है, ये लो भाई 15 किलोमीटर दिखा रहा है तो। अरे भाई 38 मिनट 37 मिनट भाई 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 बहुत ज़्यादा है यार भाई 15 किलोमीटर, और मेरे भाई 16 किलोमीटर यहाँ से जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो भाई 15 किलोमीटर से इसको कंप्लीट करते हैं। वही चीज़ बता रहा हूँ, देखो स्कूटी का ये चीज़ फ़ायदा होता है भाई, लेकिन ना आगे वाला टायर ज़्यादा थोड़ा बहुत हिलना, अगर इससे ज़्यादा वजन होता ना भाई 40 किलो अगर वजन होता थोड़ा स्कूटी हिलने लग जाती है आगे से। और बाकी भैया देख लो 25-26 किलो है ये, और बाकी भाई 70 रुपये बोल रखा है यार, जो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, देखो मेरे पास टाइमर भी लगा हुआ था तो इसलिए भाई मेरा टाइमर तो हट जाएगा, फिर वहाँ से मैं गुड़गांव की राइड मिल जाएगी तो भाई मैं घर चला जाऊँगा। क्योंकि भैया देखो मुझे दुकान भी खोलनी है यार, क्योंकि जीवन गया है स्कूल और फिर उसके बाद 7 से 9 बजे तक का उसका कोचिंग का टाइम भी है, तो आज नहीं खोल पाएगा तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो भाई लेके चलता हूँ उसके बाद भाई, अगर देखो एक राइड अगर गुड़गांव की मिल जाएगी ना तो मज़ा आ जाएगा, मैं टाइम से दुकान भी खोल लूँगा यार। तो चलते भाई करते हैं इस राइड को कम्प्लीट। चीज़ और मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत बंदे कमेंट करेंगे भाई कि ये 5 ही किलो तो एक्स्ट्रा था, 5-6 किलो एक्स्ट्रा था वो, लेकिन भाई दिक्कत हो रही है देखो, ठीक है। और ऊपर से भैया तुम अगर जितना वजन ज़्यादा लेके जाओगे ना भाई उतना ही ज़्यादा तेल खाएगी स्कूटी हो चाहे बाइक हो कुछ भी हो भाई, तो भाई उसका भी तो हमें चाहिए ना। तो बहुत बंदे कमेंट करते कि भाई हर चीज़ में हर पार्सल में एक्स्ट्रा लेते हो, हर चीज़ में एक्स्ट्रा लेते हो, भाई जो ओवर साइज होता है हम उसी का लेते हैं भैया। अगर देखो बाई चांस अगर कहीं पुलिस वालों ने चालान काट दिया तो भाई जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो दे दागे काम वहीं पे फिनिश कर देंगे, तो भाई इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं भैया। तो बाकी भाई जो लोग भाई लोग भी बोलते हैं भैया अगर फील्ड में काम करके देखो ना एक बार भाई, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा भाई। जो बंदा काम नहीं करता घर से ही कमेंट मार रहा है भाई कि भाई नहीं तुम इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हो उसमें एक्स्ट्रा ले रहे हो, भाई फील्ड पर काम करो आओ और फिर पता चलेगा भाई कि भैया हम लोग एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं और कितनी मेहनत लगती है, वो सब कुछ तुम्हें पता चलेगा जब फील्ड पे आओगे तब। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन पे, और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे दिखा रहा है यार, ये लो भाई पहुंच गया लोकेशन पे भाई, यहां से भी राइड है मुझे मिलेंगे मुझे पता है भैया। तो भाई एक बार कॉल कर लेते हैं, कल ही आए हो तभी तो तुम्हें पता नहीं है यार। साइकिल के ना टायर देखना भाई कितने मोटे हैं भाई, डिस्क लगा रखा है यार आगे पीछे, डिस्क है दोनों जगह। अबे यार मैं यहीं पे राउंड काट रहा था, मैं हाउस नंबर प्लॉट नंबर वहाँ डाल रखा है, कंपनी यहाँ पे है इसके अंदर, अंदर ही पहुँचा दूँ, चलो उठाओ खिसका ना उधर को, खिसका और जोर लगा, आराम से हाँ लगा। इस साइड से खींचना एक बार, एक मिनट रुक जा चल, नीचे से खिसका हल्का सा, हाँ ये अब आ जाएगा हल्का सा, और ये ले भाई हो गया तो ठीक है। हाँ तो बिल भी है इसका भाई, बिल भी दे देते हैं यार, ये लो ठीक है। फाइनली पेमेंट भी हो चुका है, देखो 270 रुपये आ गए मेरे यहाँ पे देख लो, और बाकी भैया देखो 189 रुपये की राइड थी, 90 रुपये मान लो भाई, 80 रुपये मेरे इसमें एक्स्ट्रा आ गए भाई। तो इस ट्रिप को एंड करता हूँ और 5 स्टार के साथ डन करूँगा मैं इसे। तो चलो भाई नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं भाई, अर्निंग दिखा दूँ तुम्हें भाई, अर्निंग देखो, अरे ये लो अबे आजा, अरे राइड आ रही है फिर से देखो यार ये, अरे यार कराला विलेज, चलो बस आइए ले ली। तो अब तुम्हें अर्निंग दिखा देता हूँ भाई, अभी राइड यहाँ से मिलेगी मुझे पता है भैया, बाकी तुम्हें अर्निंग दिखा दूँ। ये देखो 604 रुपये की अर्निंग हो चुकी है, अगर टाइम की बात करो तो भाई टाइम भी देख लो यार, भाई टाइम तो पूछो मत भाई, 5 घंटे 40 मिनट हो गए, 6 घंटे हो गए और 4 ट्रिप कंप्लीट हुई हैं। तो चलो भाई नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं भाई, मेरे पास राइड आ चुके हैं गुड़गांव सेक्टर 43 की, आ जा भाई, भाई ये राइड मैंने ले ली। तो भाई मैं इसके बाद ना सीधे घर चला जाऊँगा यार, क्योंकि दुकान भी खोलनी है ना। तो भाई ये जा रही है कहाँ से भाई, ये जा रही है मुंडका से ही जा रही है, और ये शंकर इनक्लूसिव से। तो पिकअप डिस्टेंस तुम्हें दिखा दो कितना है भाई,
पिकअप डिस्टेंस देखो 60 मीटर पिकअप डिस्टेंस हो मेरे भाई। तो कॉल करूं, बैठा हुआ था और बाकी भाई यहाँ से जा रहा है। अरे अच्छा, चलो भाई चलो भैया देखते हैं यहाँ से क्या जाएगा भाई पार्सल गुड़गांव का। ये जाएगा ओ भाई, ये जा रहा है यार, देख लो इसको लेके कैसे जाऊंगा मैं। हाँ जी हाँ जी, कैमरा है ये भाई, इसको ना मैं ऐसे बांध लूँगा या फिर ऐसे आगे रख लूँ, आगे आ जाएगा। हाँ यार, हाँ हाँ जाओ, और इसकी पेमेंट वहीं होगी ना। चलो ठीक है। तो भाई देखो ये आ गया यहाँ पे, देख रहे हो। अब भाई देखो बहुत बंदे ये कमेंट करेंगे भाई कि तुमने इसका चार्ज क्यों नहीं लिया। भाई देखो इसका चार्ज यार, देखो ये क्योंकि मेरे देखो ये फिट आ जा रहा है ना यहाँ पे, देख लो भाई इसे कोई चार्ज मैं नहीं लूँगा। देखो अगर भाई दिक्कत होती तो ज़्यादा वो होता तो भाई मैं इसका चार्ज ले सकता हूँ। देखो डायमेंशन में तो है नहीं है, देखो ये पूरा बाहर है डायमेंशन से, ठीक है। तो भाई मैं इसका चार्ज नहीं लूँगा भाई। देखो थोड़ा बहुत तो हम भी झेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है ना, ज़्यादा होगा तो ना भाई वो चीज़ नहीं झेल सकते हम लोग। तो बाकी चलते भैया, तो मैं डिस्टेंस दिखा दूँ। ये लो भाई ट्रिप को स्टार्ट और डिस्टेंस देख लो कितना है भाई। 37 किलोमीटर, 37 किलोमीटर मुझे कितना पैसे दे रहा भाई ये 367 रुपये यार, बहुत कम दे रहा पैसे तो। तो चलो भाई करते यार कंप्लीट, उसके बाद मैं सीधा घर चला जाऊँगा भाई। जाम देख लो, जाम तो वैसे बिल्कुल भाई कहीं से भी जाम नहीं दिखा रहा यार इसमें तो। अरे वाह मज़ा आ गया, अरे हट जा। 38, चलो भाई 37 द्वारिका से होते हुए जा रहा यार ये। देखो करते हैं इस राइड को कंप्लीट, दिक्कत करेगा क्या, करेगा क्या दिक्कत। अरे यार हाँ ऐसे 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 भाई देखो सारा लेके तो ऐसे ही जाऊंगा ये। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। अरे सही तो है, आ तो रहा है। ये लो भाई अब सही है यार। तो चलते भाई करते हैं डिलीवरी इसकी। देखो देखो भाई अरे यार यहीं से जा रहा है ना भाई। ये देखो यार भाई डाल दी गाड़ी, अब इसके चक्कर में हमारी भी नहीं जाएगी भाई। वो देख रहे हो पूरी नाली में गिर रखी है गाड़ी, आगे का टायर जो है ना वो नाली में गया है पूरा। तो बाकी भाई देखो 37 किलोमीटर दिखा रहा है, पैसे तो कम दे रहा है भाई 37 किलो। अरे कितना हो गया भाई, 37 ही है। हाँ 37 किलोमीटर, 1 घंटा 20 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं यार। तो भाई करते हैं इस राइड को कम्प्लीट और उसके बाद मैं घर भाग जाऊँगा। अरे भाई साहब ये लो देख रहे हो भाई, ये हाल है। ओ भाई ये लो भाई, अरे 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 बाबा भाई, वो तो अच्छा है कि भाई यहाँ पे खड्डे नहीं है यार, ये चीज़ सही है। देख रहे हो भाई पूरी गंगा बह रही है ये। अरे अरे ये देखो भाई, आजकल तो बारिश भी नहीं कुछ भी नहीं फिर भी गंगा बह रही है यार। देख लो भाई ये सारा नाली का पानी है, ये इकट्ठा ये जो जाम हो रखा है ये सारा नाली का पानी। अरे अरे भाई भाई तो भाई भाई खड्डे ना हो बस, हो गया यार। वो तो भाई शुक्र ये है कि भाई खड्डे नहीं है इसमें, नहीं तो खड्डे में गई ना स्कूटी तो हो गया काम फिर। ओ लाला 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 थोड़ा सा जगह दे दो भाई ये देख लो मैंने पाँव कहाँ रखे हैं भाई, ये देख लो ये भाई स्टैंड बना दिया पूरा मैंने। अरे भाई साहब भाई खड्डे नहीं होने चाहिए भाई, ये देख रहे हो ये। ओ भाई साहब ये लो खड्डे ना हो भगवान करे। अरे 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 भाई भाई साहब पहुँच गया भाई। ओ मेरे भाई देखना ये पानी पानी भाई। यहाँ पे देखो एक और जा रही है सुपर कार BMW, और बाकी भाई इसका पता है HR26DL भाई 444। गाड़ी का नंबर देखो ना भाई 4444। वाह यार भाई ये नंबर पता है इसने खरीदा होगा बंदे ने यार। भाई थोड़ा आगे जाके दिखाऊं, एक मिनट दिखाता हूँ यार। अरे भाई पता है इसके चक्कर में मुझे भगानी पड़ेगी थोड़ा बहुत। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं रूम पे, और बाकी भाई एंड तो यहीं पे दिखा रहा है यार। तो एक बार कॉल कर लेते हैं भैया, भाई यहीं पे एंड हो रही है। सर लोकेशन चेंज थी, मैं जा रहा हूं 400 मीटर यहां पे राइट साइड में हूं मैं लोकेशन पे, और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे दिखा रही। कहां पहुंचा दिया यार। अरे मेरे भाई निकालो इसको, जा 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 जा। तो भाई ट्रिप को एंड कर देता हूँ, अबे हो जा मेरे भाई। ये लो भाई ट्रिप को एंड हो गया। ये लो
अबे हो जा, ये लो भाई, कोई आएगा पुलिस दे रहे है ना ये। हाँ जी हाँ जी, ये लो पेमेंट भी करानी है। कितनी है पेमेंट? पेमेंट है भाई 367 रुपये, 370 रुपये। हाँ जी हाँ जी, कैमरा थोड़ा जल्दी लेके आ जा भाई, टाइम मत लगाना ठीक है। फाइनली पेमेंट हो चुकी है, बाकी इस ट्रिप को एंड करता हूँ और 5 स्टार के साथ डन। और यहाँ पे देखो भाई, अर्निंग दिखा दूँ मैं भाई, अर्निंग, अरे सो ही नहीं कर रहा मेरे भाई, अरे भाई सो कर जल्दी से। अर्निंग की बात करो तो भाई अर्निंग हो रही है 898 रुपये की, और बाकी भैया 80 रुपये मेरे एक्स्ट्रा हैं इसमें। तो बाकी भाई टाइम की बात करो, टाइम भी देख लो यार भाई, 7 घंटे 25 मिनट 5 ट्रिप मैंने कंप्लीट की है। तो चलो भाई अब मैं भाई देखो इसको कर दूंगा मैं ऑफलाइन। ये लो भैया, अब मैं यहाँ से सीधे जा रहा हूँ भाई घर। ये लो यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा दूँ तुम्हें भाई, कापा सेड़ा देख लो कितना किलोमीटर है। ये लो भाई मैप लगा दूँ, ये लो होम का, और ये लो भाई 9 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 9.2। तो चलो भाई यहाँ से भागते हैं अब जल्दी से भाई। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं दुकान पे, और हेलो जूली जूली। बाकी भाई अपने बिल्लो रानी के अगर मीटर की बात करो तो भाई एक मिनट यार दिखा दूँ, यहीं पे लगाऊंगा मैं। बाकी दुकान यार देखो भाई 31,854 किलोमीटर चल चुकी है। तो भाई एक चीज़ सीन हो गया बताऊँ मैं, देखो मैं तो भाई मैं था काम पे और जीवन का कॉल, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा ना तब कॉल आ रहा है कि इसका भाई मैं आज मेरी ट्यूशन की छुट्टी है। अब देखो यार फिर मैं आ गया, फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा कि भाई जाने का अब यहाँ से। कल का ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, बाकी कल की अर्निंग की बात करूँ तो भाई 978 रुपये के पोर्टल में अर्निंग हुई है, और 80 रुपये मेरे एक्स्ट्रा थे, 898 और 80 रुपये मेरा एक्स्ट्रा हो गए 978 रुपये। बाकी भाई इसमें से 150 रुपये तेल का निकाल दो भाई, तो भाई 828 रुपये समथिंग मेरी कल के दिन पे सेविंग होगी भैया। तो कल मैं देखो जीवन यार उसका कोचिंग, पहले तो बोला था कोचिंग है, फिर उसके बाद पता नहीं छुट्टी होगी, शायद मैडम का कॉल आया होगा तो मैं यहाँ पहुँचा, तो जीवन का वैसे ही कॉल आ गया कि आज मेरी छुट्टी है। तो फिर मैं भाई ठंडा हो रहा था, मेरा मन भी नहीं किया कि यहाँ से मैं जाऊँगा दोबारा। तो बाकी भैया देखो काम तो भाई अभी सही चल रहा है, अगर मैं 8-10-11 बजे तक करता तो भाई अर्निंग अच्छी खासी होती, और बाकी भाई मैं राइड भी मतलब 8-9-10 राइड तो कंप्लीट करता ही करता। तो बाकी भाई ठंडे की वजह से मैं गया नहीं यहाँ से, तो बाकी भाई आज निकलूँगा थोड़ा टाइम से और 9-10 बजे तक काम करूँगा मैं। तो बाकी भैया बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखे गाइस तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली वीडियो जल्दी आप तक पहुँचे। बाय।